हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद तिवारी जी में। जैसा कि आप सभी को दिखाई पड़ रहा है, 8 सितंबर 2021 का करंट अफेयर का वीडियो लेकर आप सभी के सामने एक बार फिर से हाजिर हैं। इसमें आप सभी को करंट अफेयर के साथ साथ स्टैटिक जीके भी पोर्शन को भी कवर किया जाता है, जो आप सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है आप सभी की परीक्षाओं के लिए। ये क्लास आप सभी के लिए प्रत्येक परीक्षा के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो आप सभी से निवेदन है कि इस वीडियो को पूरा देखें, जिससे आप सभी को हमारे द्वारा जो भी जानकारी दी जा रही है आसानी से प्राप्त हो सके। तो आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। इससे पहले आप सभी को बताना चाहेंगे, अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद तिवारी जी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ साथ अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए। तो रोजाना की तरह आज भी आप सभी को बेहतरीन क्वेश्चन बताए जाएंगे, जो कि आप सभी से 8 सितंबर 2021 से जुड़े हुए करंट अफेयर के क्वेश्चन हैं। तो आइए अपने सेशन की करते हैं शुरुआत। पहला क्वेश्चन आप सभी को दिखाई पड़ रहा होगा, आज के करंट अफेयर से बना है। पूछा गया है, बताइए हाल ही में किसने वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद यानी कि FSDC की 24वीं बैठक की अध्यक्षता की है। चार ऑप्शन आप सभी के सामने हैं। शक्तिकांत दास, जो कि आप सभी के RBI के चौथे गवर्नर हैं, तो ये 25वें गवर्नर हैं, तो आप सभी को याद कर लेना है। निर्मला सीतारमण दूसरा ऑप्शन है, तीसरा ऑप्शन है राजनाथ सिंह और चौथा ऑप्शन है सुधा बालकृष्णन। आप सभी को बताना है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। किसके द्वारा वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद की 24वीं बैठक की अध्यक्षता की गई है, तो आप सभी का सही आंसर क्या हो जाएगा। तो वित्त मंत्री आप सभी की निर्मला सीतारमण है, इन्हें आप सभी को याद कर लेना है। इनके द्वारा इस बैठक की अध्यक्षता की गई है। अगर आप सभी से पूछा जाएगा कि FSDC की उपसमिति की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है, तो आप सभी का सही आंसर क्या हो जाएगा। तो शक्तिकांत दास को आप सभी को याद कर लेना है, ये आप सभी की FSDC की उपसमिति की बैठक की अध्यक्षता करते हैं। अगर आप सभी से पूछा जाएगा कि वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद की 24वीं बैठक की अध्यक्षता किसने की है, तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई है। राजनाथ सिंह की बात की जाए तो वर्तमान में आप सभी के रक्षा मंत्री हैं, इन्हें आप सभी को याद कर लेना है। और सुधा बालकृष्णन क्या है, तो मुख्य वित्तीय अधिकारी है किसमें, तो RBI में, इन्हें आप सभी को याद कर लेना। तो RBI की मुख्य वित्तीय अधिकारी कौन हो जाएंगी, तो सुधा बालकृष्णन हो जाएंगी, इन्हें आप सभी को याद कर लेना। आइए देखते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन। पूछा गया है, बताइए हाल ही में कौन सा देश प्लास्टिक समझौता शुरू करने वाला पहला एशियाई देश बन गया है। इसे आप सभी को याद कर लेना, आपके पेपर के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है कि कौन सा देश हाल ही में प्लास्टिक समझौता करने वाला पहला एशियाई देश बन गया है। चार ऑप्शन आप सभी के सामने हैं, भारत, चीन, बांग्लादेश और ईरान, ये चार कंट्री हैं जो कि एशियन कंट्री हैं, इन्हें आप सभी को बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन आप सभी का सही आंसर क्या हो जाएगा। तो भारत इसका सही आंसर हो जाएगा। तो भारत पहला एशियाई देश बन गया है किस मामले में, तो प्लास्टिक समझौता करने के मामले में, प्लास्टिक समझौता शुरू करने के मामले में एशियाई देश बन गया है, आप सभी को याद कर लेना है। तो भारत की राजधानी क्या हो जाएगी, तो नई दिल्ली हो जाएगी, आप सभी को याद कर लेना है। वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है, तो रामनाथ कोविंद हो जाएंगे। उपराष्ट्रपति कौन है, तो M.वेंकैया नायडू हो जाएंगे। अगर आप सभी से प्रधानमंत्री की बात की जाएगी तो माननीय नरेंद्र मोदी हो जाएंगे, तो आप सभी को याद कर लेना है। आइए देखते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन। पूछा गया, बताइए हाल ही में भारत और किस देश ने मानव रहित हवाई वाहन की एयर लॉन्च परियोजना के लिए समझौता किया है। चार ऑप्शन आप सभी के सामने हैं, अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी और जापान। आप सभी के प्रश्न में मुख्य रूप से पूछा क्या गया है, पूछा ये गया है कि भारत और किस देश ने हाल ही में मानव रहित हवाई वाहन की एयर लॉन्च परियोजना के लिए समझौता किया है। तो आप सभी के सामने चार ऑप्शन थे, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो अमेरिका इसका सही आंसर हो जाएगा। तो भारत और अमेरिका द्वारा मानव रहित हवाई वाहन की एयर लॉन्च परियोजना के लिए समझौता किया गया है, आप सभी को इसे याद कर लेना है। बात की जाए संयुक्त राज्य अमेरिका की, संयुक्त राज्य अमेरिका की राजधानी Washington DC है। यहाँ के वर्तमान राष्ट्रपति जो बाइडन है, यहाँ के उपराष्ट्रपति कमला हैरिस है। मुद्रा क्या हो जाएगी, तो अमेरिकी डॉलर यहाँ की मुद्रा है। निचले सदन को क्या कहा जाता है, तो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव कहा जाता है। ऊपरी सदन को सीनेट कहा जाता है, तो आप सभी को इसे याद कर लेना है। और सबसे बड़ा शहर, अगर आप सभी से पूछा जाता है संयुक्त राज्य अमेरिका का सबसे बड़ा शहर कौन सा है, तो न्यूयॉर्क हो जाएगा, इसे आप सभी को याद कर लेना है, आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो राजधानी Washington DC हो जाएगी, वर्तमान राष्ट्रपति जो बिडन है, उपराष्ट्रपति कमला हैरिस है, यहाँ की मुद्रा अमेरिकी डॉलर हो जाएगी। निचले सदन को क्या कहा जाता है, तो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव कहा जाता है। ऊपरी सदन को सीनेट कहा जाता है। और
और सबसे बड़ा शहर कौन सा हो जाएगा, तो न्यूयॉर्क हो जाएगा। वहीं भारत की बात की जाए तो भारत की वर्तमान राजधानी नई दिल्ली हो जाएगी। वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है, तो रामनाथ कोविंद है, इन्हें आप सभी को याद कर लेना है। वर्तमान में उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, मुद्रा रुपया है, ऊपरी सदन को, संसद के ऊपरी सदन को राज्यसभा और निचले सदन को लोकसभा कहा जाता है, तो आप सभी को इसे याद कर लेना है, आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अगर आप सभी से पूछा जाएगा कि वर्तमान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, किस नंबर के प्रधानमंत्री हैं, तो आप सभी को याद कर लेना है, किस नंबर के प्रधानमंत्री हो जाएंगे, तो 15वें नंबर के प्रधानमंत्री हो जाएंगे। इन्हें आप सभी को याद कर लेना है, आपके पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आप सभी से वेंकैया नायडू की बात की जाती है, किस नंबर के उपराष्ट्रपति हैं, तो आप सभी को याद कर लेना है, ये 13वें नंबर के उपराष्ट्रपति हो जाएंगे। और आप सभी से पूछा जाता है कि रामनाथ कोविंद के बारे में, किस नंबर के राष्ट्रपति हैं, तो आप सभी को याद कर लेना है, ये 14वें नंबर के उपराष्ट्रपति हैं, तो ये 14th प्रेसिडेंट हो जाएंगे इंडिया के, आप सभी को इसे याद कर लेना है। तो जो भी इससे जुड़े हुए पॉइंट थे आप सभी से शेयर किए गए हैं, आप सभी को याद कर लेना है कि भारत की राजधानी नई दिल्ली है, वर्तमान में 14 नंबर के राष्ट्रपति कौन हो जाएंगे, तो रामनाथ कोविंद हैं, उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू हो जाएंगे जो कि 13वें उपराष्ट्रपति हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं जो कि 15वें प्रधानमंत्री हैं, मुद्रा रुपया हो जाएगी, ऊपरी सदन को राज्यसभा और निचले सदन को लोकसभा कहा जाता है, इसे आप सभी को याद कर लेना है। देखते हैं चौथा नंबर क्वेश्चन आप सभी से पूछा गया, बताइए हाल ही में इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक ने किस खिलाड़ी को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। चार ऑप्शन आप सभी के सामने है, रानी रामपाल, स्मृति मंधाना, उपरोक्त दोनों और पीवी सिंधु। आप सभी को बताना है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बात किसकी की जा रही है, तो इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक की बात की जा रही है। पूछा जा रहा है इसने किस खिलाड़ी को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, तो इसका सही आंसर आप सभी का क्या हो जाएगा, तो रानी रामपाल और स्मृति मंधाना को, इन दोनों को, आप सभी का तीसरा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, तो इन दोनों को ब्रांड एम्बेसडर बनाया है किसने, तो इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक ने। बात की जाए इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक की, तो इसका हेडक्वार्टर चेन्नई में है, इसकी स्थापना वर्ष 2016 में हुई थी। की पीपल की बात करें तो अरुण रामनाथन इसके पार्ट टाइम चेयरमैन है और वासुदेवन पीएन इसके एमडी और सीईओ है, तो आप सभी को याद कर लेना है। तो इसकी इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो चेन्नई में स्थित है, इसकी स्थापना वर्ष 2016 में हुई थी, अरुण रामनाथन इसके पार्ट टाइम चेयरमैन हो जाएंगे और वासुदेवन पीएन इसके एमडी मैनी मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हो जाएंगे, आप सभी को याद कर लेना है। आइए देखते हैं पांचवा नंबर क्वेश्चन पूछा गया, बताइए है हाल ही में इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काईज कब मनाया गया है। आप सभी को ये बताना है ये डे कब मनाया गया है, इसकी थीम क्या थी, तो इसे आप सभी को मुख्य रूप से याद कर लेना है, हेल्दी एयर एंड हेल्दी प्लैनेट इसकी थीम थी। आप सभी को इसका आंसर बताना है कब इसे मनाया गया है, 7 सितंबर, 8 सितंबर, 6 सितंबर और 5 सितंबर, चार ऑप्शन आप सभी के सामने है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो 7 सितंबर को इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काईज मनाया गया है। थीम आप सभी को याद कर लेनी है, हेल्दी एयर एंड हेल्दी प्लैनेट इसकी थीम हो जाएगी। आप सभी को सितंबर के कुछ महत्वपूर्ण दिवसों के विषय में बताया गया है जो आप सभी के पेपर में पूछा जाता है, तो आप सभी को इसे याद कर लेना। सबसे पहले हम देख लेते हैं 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया गया है, इसी तरीके से 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया जाता है, 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है, तो आप सभी को याद कर लेना है। और अगर आप सभी से पूछा जाएगा कि विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, किसकी बात की जाएगी, विश्व हिंदी दिवस की, तो आप सभी को याद कर लेना है कब, तो 10 जनवरी को मनाया जाता है, तो आप सभी को याद कर लेना है। अगर आप सभी से पूछा जाएगा कि राष्ट्रीय हिंदी दिवस, तो 14 सितंबर हो जाएगा, और विश्व हिंदी दिवस की बात की जाएगी, तो आप सभी का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो 10 जनवरी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो आप सभी को इसे याद कर लेना है, आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट पॉइंट होने वाला है। और अगर आप सभी से पूछा जाएगा कि विश्व शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है, ये आप सभी को 5 सितंबर को राष्ट्रीय शिक्षक दिवस के विषय में बताया गया। अगर आप सभी से पूछा जाता है कि विश्व शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है, तो आप सभी का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो 5 अक्टूबर इसका सही आंसर हो जाएगा। कब, तो 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस मनाया जाता है और 5 सितंबर को राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाया जाता है। 16 सितंबर की बात की जाए तो अंतर्राष्ट्रीय ओजोन परत संरक्षण दिवस मनाया जाता है। इसी तरीके से 21 सितंबर को विश्व शांति दिवस मनाया जाता है। 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है और 29 सितंबर को विश्व हृदय दिवस मनाया जाता है। तो आप सभी को सितंबर के जितने भी महत्वपूर्ण दिवस हैं, इन्हें आप सभी को याद कर लेना। एक बार फिर से हम इसे रिवाइज करेंगे, अगर आप सभी से पूछा जाएगा कि 5 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो आप सभी का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो राष्ट्रीय
शिक्षक दिवस मनाया जाता है। अगर आप सभी से पूछा जाता है कि 5 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो विश्व शिक्षक दिवस हो जाएगा। तो दोनों चीज़ें आप सभी को याद कर लेनी है, साथ ही साथ आप सभी को दोनों चीज़ें याद होती रहें, जिससे आप सभी को कोई भी कन्फ्यूजन ना हो। इसके बाद 8 सितंबर की बात की जाए तो अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया जाता है, तो इसे आप सभी को याद कर लेना है। इसके बाद 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। अगर आप सभी से पूछा जाएगा कि विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। इसी तरीके से 16 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय ओजोन परत संरक्षण दिवस मनाया जाता है। 21 सितंबर को विश्व शांति दिवस, 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस और 29 सितंबर को विश्व हृदय दिवस मनाया जाता है। तो आप सभी को इसे याद कर लेना है, जो भी आप सभी को सितंबर के महत्वपूर्ण दिवस के बारे में बताया गया है, क्योंकि इससे जुड़े हुए क्वेश्चन आप सभी की परीक्षा में निश्चित रूप से पूछे जाते हैं। आइए देखते हैं 6वां नंबर क्वेश्चन, जो आप सभी के करंट अफेयर से बना है, पूछा गया है, बताइए हाल ही में शुरू हुए खाद्य प्रसंस्करण सप्ताह को कब से कब तक मनाया जा रहा है। बात की जा रही है खाद्य प्रसंस्करण सप्ताह की। 4 ऑप्शन आप सभी के सामने हैं, 6 सितंबर से 12 सितंबर, 8 सितंबर से 14 सितंबर, 7 सितंबर से 13 सितंबर और लास्ट ऑप्शन है 5 सितंबर से 11 सितंबर। आप सभी को बताना है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो 6 सितंबर से 12 सितंबर के तक खाद्य प्रसंस्करण सप्ताह मनाया जा रहा है, तो आप सभी को इसे याद कर लेना है। इस तारीख को क्या है, तो 6 सितंबर से 12 सितंबर तक खाद्य प्रसंस्करण सप्ताह मनाया जा रहा है, आप सभी को इसे याद कर लेना है। देखते हैं 7वां नंबर क्वेश्चन, पूछा गया, बताया हाल ही में किस IIT संस्थान में कृषि कचड़े से जैव ईंटे से बनी भारत की पहली इमारत का उद्घाटन किया गया है। क्या पूछा गया आप सभी से, तो पूछा गया हाल ही में किस IIT संस्थान में कृषि कचड़े से जैव ईंटों से बनी भारत की पहली इमारत का उद्घाटन किया गया है। 4 ऑप्शन आप सभी के सामने हैं, IIT मद्रास, IIT हैदराबाद, IIT कानपुर और IIT बॉम्बे। तो आप सभी का सही आंसर इसका क्या हो जाएगा, तो इसका सही आंसर आप सभी का हो जाएगा IIT हैदराबाद। तो आप सभी को याद कर लेना है, IIT हैदराबाद में कृषि कचरे से जैव ईंटों से बनी भारत की पहली इमारत का उद्घाटन किया गया है, तो आप सभी को इसे याद कर लेना है। आइए देखते हैं 8वां नंबर क्वेश्चन, जो आप सभी के करंट अफेयर से बना है, पूछा गया, बताइए हाल ही में किस देश के पूर्व फुटबॉलर हैं, इनका नाम है जीन पियरे एडम्स, इनका निधन हो गया है, ये किस देश के पूर्व फुटबॉलर थे। 4 ऑप्शन आप सभी के सामने है, फ्रांस, जर्मनी, इटली और जापान। तो आप सभी का सही आंसर क्या हो जाएगा इसका, किस देश की ये पूर्व फुटबॉलर हैं, तो आप सभी का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो फ्रांस इसका सही आंसर हो जाएगा। इनका नाम आप सभी को याद कर लेना, इनका नाम है जीन पियरे एडम्स, इनका निधन हो गया, ये पूर्व फुटबॉलर थे। आइए देखते हैं 9वां नंबर क्वेश्चन, पूछा गया, बताइए हाल ही में पूर्व ओलंपिक समिति के पूर्व अध्यक्ष कौन थे जिनका निधन हो गया है। 4 ऑप्शन आप सभी के सामने है, जैक्स रोग, चंदन मित्रा, सैयद अली गिलानी और बुद्धदेव गुहा। तो आप सभी को बताना है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका सही आंसर आप सभी का जैक्स रोग इसका सही आंसर हो जाएगा। तो आप सभी को जैक्स रोग को मार कर लेना, ये पूर्व ओलंपिक समिति के अध्यक्ष थे, इन्हें आप सभी को याद कर लेना है, जैक्स रोग इनका नाम है। अगर आप सभी से पूछा जाएगा चंदन मित्रा, ये इनका हाल ही में निधन हुआ, ये क्या थे, तो ये राज्यसभा सांसद थे। तो आप सभी को याद कर लेना है, क्या थे ये, तो राज्यसभा सांसद थे, इन्हें आप सभी को याद कर लेना है, आप सभी के पेपर के लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है। आप सभी को बुद्धदेव गुहा के बारे में याद कर लेना है, हाल ही में इनका निधन हुआ था, तो ये लेखक थे, इन्हें आप सभी को याद कर लेना है, तो ये लेखक थे पेशे से, इनका निधन हुआ है, बुद्धदेव गुहा इनका नाम है, तो आप सभी को याद कर लेना है। आइए देखते हैं दसवां नंबर क्वेश्चन, आप सभी से पूछा गया, हाल ही में पूर्व केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव केशव देसी राजू का निधन हो गया, वह किस पूर्व राष्ट्रपति के पोते थे। 4 ऑप्शन आप सभी के सामने है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पहला ऑप्शन है, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन दूसरा ऑप्शन है, प्रणब मुखर्जी तीसरा ऑप्शन है और प्रतिभा देवी सिंह पाटिल चौथा ऑप्शन है। आप सभी बताना इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन इसका सही आंसर हो जाएगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बारे में बात करें, तो ये भारत के पहले राष्ट्रपति थे, तो पहले राष्ट्रपति हो जाएंगे, इन्हें आप सभी को याद कर लेना है। तो फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन थे, तो पहले प्रेसिडेंट कौन थे, तो आप सभी को याद कर लेना है, पहले प्रेसिडेंट कौन थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अगर बात की जाए डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की, तो ये दूसरे थे प्रेसिडेंट, तो सेकंड प्रेसिडेंट हो जाएंगे, साथ ही साथ ये पहले उपराष्ट्रपति थे, तो इन्हें भी आप सभी को याद कर लेना है, तो पहले उपराष्ट्रपति थे, इन्हें आप सभी को याद कर लेना है। तो पहले वाइस प्रेसिडेंट कौन थे,
तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन हो जाएंगे। बात की जाए प्रतिभा देवी सिंह पाटिल की, तो ये भारत की पहली महिला राष्ट्रपति थी। तो पहली महिला राष्ट्रपति कौन हो जाएंगी, तो पहली महिला भारत की राष्ट्रपति थी ये, इन्हें आप सभी को याद कर लेना है। तो पहली महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल हो जाएंगी। तो इससे जुड़े हुए जो पॉइंट है आप सभी से डिस्कस किए गए, इन्हें आप सभी को याद कर लेना है। और कल आप सभी के करंट अफेयर में आया था कि 5 सितंबर को राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाया जाता है, किस राष्ट्रपति की जन्म दिवस के अवसर पर इसे मनाया जाता है, तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन इसका आंसर हो जाएगा। इसे आप सभी को याद कर लेना है, आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। आप सभी से पूछा जाता है कि 5 सितंबर यानी राष्ट्रीय शिक्षक दिवस कब से मनाया जाता है, तो वर्ष 1962 से इसे मनाया जाता है। इसे आप सभी को याद कर लेना है, आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आइए देखते हैं 11वां नंबर क्वेश्चन। आप सभी से पूछा गया, बताएं निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत का पहला डंगोंग संरक्षण रिजर्व स्थापित किया जाएगा। चार ऑप्शन आप सभी के सामने हैं, केरल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और उड़ीसा। आप सभी को बताना है इसका आंसर क्या हो जाएगा, किस राज्य में भारत का पहला डंगोंग संरक्षण रिजर्व स्थापित किया जाएगा, तो तमिलनाडु इसका सही आंसर हो जाएगा। आप सभी को मार्क कर लेना है। आइए देख लेते हैं तमिलनाडु से जुड़े हुए कुछ पॉइंट। तो तमिलनाडु की राजधानी हो जाएगी चेन्नई। इसका निर्माण कब हुआ था, तो 26 जनवरी 1950 को इसका निर्माण हुआ था। यहाँ के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित हैं, इन्हें आप सभी को याद कर लेना। हाल ही में इन्हें पंजाब का राज्यपाल का कार्यभार दिया गया है, पंजाब के राज्यपाल का कार्यभार दिया गया है किसे, बनवारी लाल पुरोहित को। साथ ही साथ चंडीगढ़ के प्रशासक यानी उपराज्यपाल का दिया गया है पद, इन्हें भी आप सभी को याद कर लेना है। तो चंडीगढ़ के उपराज्यपाल का और पंजाब के राज्यपाल का अतिरिक्त कार्यभार दिया गया है किसे, तो बनवारी लाल पुरोहित को, तो आप सभी को याद कर लेना है। बात की जाए यहाँ के मुख्यमंत्री की, तो एम के स्टालिन है, इन्हें आप सभी को याद कर लेना है। और अगर आप सभी से पूछा जाता है कि तमिलनाडु की सीमा कितने भारतीय राज्यों से टच करती है, तो आप सभी को याद कर लेना है, केरल, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के साथ तमिलनाडु की सीमा टच होती है, तो आप सभी को इसे याद कर लेना है, आप सभी के लिए इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। आइए देखते हैं 12वां नंबर क्वेश्चन। आप सभी से पूछा गया, बताया हाल ही में कितने बैंक अकाउंट एग्रीग्रेटर नेटवर्क से जुड़े हैं। चार ऑप्शन आप सभी के सामने हैं, 8, 7, 6 और 4। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो 8 इसका सही आंसर हो जाएगा। तो पूछा क्या गया था आप सभी से क्वेश्चन कि कितने बैंक अकाउंट एग्रीगेटर नेटवर्क से जुड़े हैं, तो आप सभी का सही आंसर क्या हो जाएगा, आप सभी को यहाँ पर देख लेना है। पूछा क्या गया है कि कितने बैंक, यहाँ पर आप सभी से ये चीज़ पूछी गई है कितने बैंक अकाउंट एग्रीगेटर नेटवर्क से जुड़े हैं, तो आप सभी को याद कर लेना है। ये नहीं पूछा गया है कि कितने बैंक अकाउंट की बात नहीं की गई है, बात आप सभी से की गई है कि कितने बैंक जुड़े हैं किससे, तो अकाउंट एग्रीगेटर नेटवर्क से जुड़े हैं। तो इसे आप सभी को इस लाइन को अच्छे से याद कर लेना है, इसका सही आंसर 8 हो जाएगा। अब कौन कौन से बैंक हैं, तो आइए देख लेते हैं। तो 8 बैंकों का नाम आप सभी को दिया गया है, SBI पहला बैंक है, दूसरा बैंक है ICICI, तीसरा बैंक हो जाएगा एक्सिस बैंक, चौथा बैंक हो जाएगा IDFC बैंक, पांचवा बैंक हो जाएगा KM बैंक, छठा बैंक हो जाएगा HDFC बैंक, सातवां बैंक क्या हो जाएगा, तो इंड बैंक हो जाएगा, और आठवां बैंक फेडरल बैंक हो जाएगा। तो आप सभी को याद कर लेना है इन 8 बैंकों का नाम, आप सभी के पेपर में पूछा जा सकता है इनका नाम देकर कि इनमें से कौन सा बैंक अकाउंट एग्रीगेटर नेटवर्क से नहीं जुड़ा है। तो आप सभी को इन 8 बैंकों का नाम याद कर लेना है, कौन कौन से बैंक है। तो पहला बैंक SBI हो जाएगा, ICICI हो जाएगा, एक्सिस बैंक हो जाएगा, IDFC बैंक हो जाएगा, KM बैंक, HDFC बैंक, इंडस इंड बैंक हो जाएगा और फेडरल बैंक हो जाएगा। तो आप सभी को याद कर लेना है। आइए देखते हैं 13 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, बताइए हाल ही में किस देश के अज्ञात फोटोग्राफर ने प्रमुख फोटो जर्नलिज्म पुरस्कार जीता है। चार ऑप्शन आप सभी के सामने हैं, म्यांमार, मालदीव, भारत और बांग्लादेश। आप सभी को बताना है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, किस देश के अज्ञात फोटोग्राफर ने प्रमुख फोटो जर्नलिज्म पुरस्कार जीता है, तो आप सभी का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो म्यांमार इसका सही आंसर हो जाएगा। तो आप सभी को याद कर लेना है, म्यांमार इसका सही आंसर हो जाएगा। तो म्यांमार देश के अज्ञात फोटोग्राफर ने प्रमुख फोटो जर्नलिज्म पुरस्कार जीता है, तो आप सभी को याद कर लेना है। ये देखते हैं 14 नंबर क्वेश्चन पूछा गया, होता है हाल ही में भारत और ऑस्ट्रेलिया के नौसेनाओं के बीच ऑस इंडेक्स अभ्यास का कौन सा संस्करण शुरू किया गया है। चार ऑप्शन आप सभी के सामने हैं, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। तो आप सभी का आंसर क्या हो जाएगा, तो चौथा संस्करण शुरू किया गया है। इससे पहले कल आप सभी से पूछा गया है कि सिम्बेक्स का किसका, तो सिम्बेक्स का
कौन सा संस्करण शुरू किया गया है, तो आप सभी को याद कर लेना है सिम्बेक्स 2021 कौन सा संस्करण है जो सिंगापुर और भारत के बीच में शुरू किया गया है, किस किस किसके बीच में, तो सिंगापुर और भारतीय नौसेना के बीच में शुरू किया गया है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो 28वां संस्करण है, तो 28th संस्करण है, इसे आप सभी को याद कर लेना है, तो 28th एडिशन हो जाएगा, आप सभी को इसे याद कर लेना है। अगर आप सभी से पूछा जाएगा कि भारत और ऑस्ट्रेलिया की नौसेनाओं के बीच ऑस इंडेक्स अभ्यास का कौन सा संस्करण शुरू किया गया है, तो आप सभी को याद कर लेना है, चौथा इसका सही आंसर हो जाएगा। अभी देखते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन जो आप सभी के करंट अफेयर से बना है, पूछा गया बताया हाल ही में किसे BPCL यानी कि भारतीय पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। वर्तिका शुक्ला पहला ऑप्शन है, अतुल भट्ट दूसरा ऑप्शन है, बी रामकृष्ण तीसरा ऑप्शन है और धर्मेंद्र प्रधान चौथा ऑप्शन है। आप सभी का सही आंसर क्या हो जाएगा, किसे BPCL यानी कि भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, तो आप सभी का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो बी रामकृष्ण इसका सही आंसर हो जाएगा, आप सभी को मार्क कर लेना है। हाल ही में वर्तिका शुक्ला और अतुल भट्ट को एक प्रभार दिया गया है, तो इससे जुड़े हुए कुछ पॉइंट है आप सभी के नेक्स्ट लाइन में इसे शेयर किया गया है। तो जो भी आप सभी को हाल ही में नियुक्तियां हुई इन्हें आप सभी को याद करते चलना है, आपके पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले बात की जाए वर्तिका शुक्ला की, तो इन्हें इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड की पहली महिला अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक बनाया गया है, तो आप सभी को याद कर लेना है इन्हें कौन सा पद दिया गया है, तो इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड की पहली महिला अध्यक्ष हैं और साथ ही साथ ये प्रबंध निदेशक हैं, तो आप सभी को याद कर लेना है वर्तिका शुक्ला को। अगर आप सभी से पूछा जाता है कि अतुल भट्ट को कहाँ पर नियुक्त किया गया है, तो आप सभी का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड का अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक इन्हें नियुक्त किया गया है, तो अतुल भट्ट को राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड का अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक। SL त्रिपाठी की बात की जाए, तो यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस के अध्यक्ष और सह प्रबंध निदेशक इन्हें नियुक्त किया गया है। और S रमेश की बात की जाए, तो भारत पेट्रो रिसोर्सेज लिमिटेड यानी BPRL के MD नियुक्त किए गए हैं एस रमेश, तो इन्हें आप सभी को याद कर लेना है। तो इन चारों का नाम आप सभी को याद कर लेना है, वर्तिका शुक्ला, अतुल भट्ट, SL त्रिपाठी और S रमेश को, जो भी इनके विभाग हैं इन्हें भी आप सभी को याद कर लेना है। तो आज के सेशन में इतना ही, आप सभी को ये सेशन पसंद आया होगा, इस सेशन को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। 3 लिंक आप सभी को दी गई हैं, इसकी PDF आप सभी को हमारे टेलीग्राम चैनल पर प्राप्त हो जाएगी। तो आप सभी को इस सेशन को पूरा देखने के बाद हमारे चैनल को स्टडी विद तिवारी जी को सब्सक्राइब कर लेना है, जिससे आने वाली जो भी PDF है आप सभी को प्राप्त होती रहे और जो भी क्लासेस आप सभी के लिए चलाई जा रही हैं, फिर वो चाहे आप सभी की GS की क्लास हो जो आप सभी के लिए चलाई जाती है, अभी तक 2 पार्ट इसके अपलोड कर दिए जा चुके हैं, जिसमें आप सभी को रोज़ 30 क्वेश्चन करवाए जाते हैं जो आप सभी की परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आप सभी को इस क्लास को पूरा देखना है, जिससे आप सभी का GS GK का जो मिक्स क्वेश्चन की सीरीज चल रही है, इससे क्वेश्चन भी तैयार होते रहें। तो और साथ ही साथ आप सभी को करंट अफेयर की क्लास कराई जा रही है और रचना मैम के द्वारा विभिन्न टॉपिक पर इंडियन ज्योग्राफी की क्लास चलाई जा रही है, तो इन्हें भी आप सभी को देख लेना है, आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो इस इंपॉर्टेंट क्लासेस हैं जो आप सभी के लिए चलाई जा रही हैं। तो आज के सेशन में इतना ही, आप सभी को हम दोबारा मिलेंगे कब, तो 9 सितंबर 2021 की करंट अफेयर की क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।